हूँ मागड़ी सा। मेरा नाम अनादि अग्रवाल, मैं एमजीजीएस स्कूल में छोटी सादरी राजस्थान में क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। हम बच्चों की सरकार में आपका स्वागत। हम बच्चों की सरकार बच्चों की तरह संवेदनशील और जनता के हितों के प्रति उत्तरदायी होगी। हमारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र कानूनी रूप लिए होंगे तथा उन्हें तय सीमा में कार्य पूरे करने होंगे। ऐसा न होने पर जनता को राइट टू बैक का अधिकार हमारी सरकार में होगा। हमारी सरकार में दल बदल कानून का कोई स्थान नहीं होगा। खासकर चुनाव के बाद दल बदल कानून जनता के प्रति धोखा है। राजनीतिक दल व नेता सत्ता के लालच में अपने धूर विरोधियों से हाथ मिला लेते हैं, जिससे कि जनता के हित प्रभावित होते हैं। हमारी सरकार में बहुमत का स्थान होगा। जिस किसी भी दल को सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वह सरकार बनाएगी। खिचड़ी सरकार का कोई स्थान नहीं होगा। हम बच्चों की सरकार में आरक्षण का आधार जाति या न होकर आर्थिक होगा। योग्यता में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। वह सभी सुविधाएं दी जाएगी गरीब वर्ग को जो जनरल कैटेगरी को मिलती है। हम बच्चों की सरकार में महिलाओं व लड़कियों को समानता का अधिकार दिया जाएगा और दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए हर जिले में वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा। हमारी कोशिश तो यही होगी ऐसे अपराध हो ही ना और अश्लील साइट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। देरी से मिलान आए भी एक तरह से अन्याय होता है। हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और त्वरित और सही न्याय को जगह दी जाएगी। हमारी सरकार में मेकाली की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह हटा दिया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट और संस्कारों के से परिपूर्ण होगी। शिक्षा सहज होगी और हर जन की पहुंच में होगी। हमारी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा, जिसके तहत गांवों की सड़कों शहर से जोड़ा जाएगा और नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। पानी की जो कमी है व सूखे की जो समस्या है वो दूर हो सके। हमारी सरकार में अस्पतालों की सुविधाओं में परिवर्तन कर हर गांव में एक अस्पताल और डॉक्टर जरूर होगा। हम बच्चों की सरकार में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यापारियों को टैक्स में छूट और उद्योगपतियों के लिए टैक्स व्यवस्था सुगम की जाएगी। हमारी सरकार में बच्चों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पर बच्चे अपनी बात रख सकेंगे। मेरा मानना है कि हमारी सरकार ऐसी हो जो सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसके उलट उस अंतिम व्यक्ति की पहुंच बिना किसी जैक के सरलता से हमारी सरकार तक हो। इसके लिए विज्ञान व टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। थैंक यू।